प्यार एक बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन प्यार और पागलपन के बीच एक बहुत ही थिन लाइन होती है जिसमें अंतर करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर हम ये अंतर नहीं कर पाते तो जुर्म की दुनिया की ओर हमारे कदम बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है गौरी प्रिया के साथ, जिसकी मां की जान चली गई सिर्फ उसके अफेयर्स के कारण। गौरी ने अपने दोस्त राकेश के साथ मिलकर अपनी मां की हत्या कर दी, और इस हत्या को छुपाने के लिए उसने एक बहुत ही गहरा जाल बुना। दरअसल गौरी प्रिया अपनी मां से एक दिन अपने अफेयर के बारे में बात करने के लिए गई। उन्होंने गौरी प्रिया से सीधे सीधे साफ लफ्जों में यह बात कह दी कि उसके रिश्ते से उसकी मां खुश नहीं है। पर गौरी प्रिया को यह बात अच्छी नहीं लगी। गुस्से में गौरी प्रिया ने उसी दिन अपनी मां की हत्या की प्लानिंग कर दी। हत्या के दो दिन तक लाश के साथ राकेश और गौरी घर के अंदर ही रहे। दो दिन बाद जब लाश से बदबू आने लगी तो दोनों ने उसे कार में डाला और एक रेलवे ट्रैक पर फेंक कर आ गए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि पुलिस को ये लगे कि ये केस सुसाइड का है, आत्महत्या का है। गौरी इसके बाद अपने घर नहीं लौटी। इन सभी घटनाक्रम के बीच गौरी के पिता, जो कि एक ट्रक ड्राइवर हैं, वापस घर लौटते हैं और घर पर ताला देखते हैं। इसकी वजह से वो गौरी की मां यानी शांति देवी को फोन करते हैं, लेकिन उनका फोन अनरीचेबल आता है। इसके बाद वो गौरी को फोन लगाते हैं और उनसे पूछते हैं, जिस पर गौरी ये बताती है कि वो शहर से बाहर है और वो नहीं जानती कि उनकी मां कहां है। ऐसे में गौरी के पिता उनको कहते हैं कि वो वापस आ जाए क्योंकि उनकी मां लापता है। लेकिन गौरी दो दिन बाद घर वापस आती है, और घर वापस आते ही वो सबसे पहले पुलिस में कंप्लेंट लिखवाती है, और कंप्लेंट में ये बताती है कि उसके पिता एक शराबी हैं और उसकी माता को बहुत मारते हैं। इस बीच गौरी के पिता को गौरी पर थोड़ा शक होता है। गौरी के पिता का शक तब गहरा हो जाता है जब गौरी के बॉयफ्रेंड प्रियम के पिता उनसे मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि शांति देवी किसी चेकअप की वजह से बाहर गई हैं और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि गौरी उनके घर पर रहे। इस पर उनके पिता, गौरी के पिता, अलर्ट हो जाते हैं और पुलिस को जाकर इस बारे में बता देते हैं। उधर पुलिस गौरी की मां की लाश को बरामद कर लेती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात साफ हो जाती है कि शांति देवी की गला घोटकर हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस ने गौरी को गिरफ्तार किया, और गौरी ने कथित तौर पर यह बयान दिया कि उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी मां की हत्या की है। जांच पड़ताल में कुछ और पहलू भी सामने आए। दरअसल गौरी प्रियम के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध थे। इस बारे में राकेश जानता था, इसी का वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। उसने गौरी को ब्लैकमेल किया और 10 लाख रुपए ऐंठने चाहे। इस वजह से उसने गौरी के साथ मिलकर उसकी मां की हत्या कर दी। गौरी और राकेश के साथ पुलिस ने प्रियम को भी गिरफ्तार किया, जिसने कथित तौर पर गौरी के साथ जबरन रिश्ते बनाए और उसके गर्भवती होने पर गर्भपात भी करवाया, और ये सब तब हुआ जब गौरी एक नाबालिग थी। पुलिस ने गौरी और राकेश को शांति देवी की हत्या के मामले में, प्रियम को धारा 376(2)(n) के तहत बलात्कार और 312 के तहत गर्भपात के लिए मामला दर्ज किया। राकेश के खिलाफ धारा 385 जबरन वसूली के मामले दर्ज किए। इसके अलावा पुलिस ने उन्हें प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट एक्ट के तहत भी गिरफ्तार किया। अगर आप भी ऐसी ही किसी घटना के बारे में जानते हैं या आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो हमें इस ईमेल एड्रेस पर आप लिखकर भेज सकते हैं। अगले एपिसोड में मैं एक बार फिर आपसे मिलूंगी और जुर्म की कुछ ऐसी ही खौफनाक और दिल दहला देने वाले किस्से सुनाऊंगी। तब तक के लिए मैं जूही आपसे विदा लेती हूँ। आप अपना ध्यान रखिए और सावधान रहिए।